हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, एक और वैकेंसी लेकर हम आपके लिए आए हैं, और ये जो वैकेंसी है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। स्पेशली फॉर देखा जाए तो राइट्स के द्वारा, राइट्स लिमिटेड, RITES लिमिटेड के द्वारा, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है, यहाँ से जो है गवर्नमेंट की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि हम बात करें डियर फ्रेंड, तो राइट्स लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की जाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और ये परमानेंट वैकेंसी होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। इसमें देखेंगे सीकर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुड़गांव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू द वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें RITES राइट्स, ये मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको ऑपरेट करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये के अंतर्गत आता है, और मल्टी डिस्पेंसरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत इसमें ये आता है। ठीक है, अब राइट्स के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई थी राइट्स लिमिटेड के द्वारा, ये अर्जेंट नीड टू डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की जाती है। यदि हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो नंबर ऑफ पोस्ट में डियर फ्रेंड बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर राइट्स के द्वारा जारी की जाती है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो सुपरवाइज़र कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात करें, तो इसमें UR की 4 पोस्ट है और OBC की 1 पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट यहाँ देखेंगे तो टोटल 5 पोस्ट है। और ये वैकेंसी जो है ये सुपरवाइज़र कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेकंड जो है वैकेंसी, ये ड्राफ्ट्समैन की है। तो ड्राफ्ट्समैन में इसमें देखेंगे तो UR की 7 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट यहाँ पर देखें तो टोटल 13 पोस्ट है यहाँ पर। तो 13 पोस्ट काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो हम, तो इसमें टोटल 13 पोस्ट है, और यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब और पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, पोस्ट और बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वालिटी एजरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर की, तो इसमें एक ही पोस्ट है और OBC की 1 पोस्ट है, तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है। पोस्ट की बात करूं, मैं इसमें वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ में फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, और फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर में UR की इसमें 24 पोस्ट है, EWS की 9 पोस्ट है, और 19 पोस्ट इसमें OBC की है, ST SC की 14 पोस्ट है, और ST की इसमें 5 पोस्ट है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 71 पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की ही पोस्ट सबसे ज़्यादा निकाली गई है। यहाँ बात करें तो स्टार की, यदि बात करें हम स्टार को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, तो 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द हॉरिजेंटल बेसिस ऑफ द PWD के लिए, और 2 पोस्ट यहाँ पर भी रिजर्व है इसमें 13 में और 71 में। ठीक है, एक पोस्ट 13 में है, एक दो पोस्ट 71 में रिजर्व रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया में मिनिमम जो है एज 55 साल है। कट ऑफ डेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एज की बात करें तो 1/10/2023 के अनुसार इसका जो है कट ऑफ एज को डिसाइड किया गया है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे मीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एज स्टार्टेड द बिलो ऑफ मेंशन टेबल। कैंडिडेट नॉट सेटिस्फाइड द स्टार्टेड क्राइटेरिया विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यूज। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यूज होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो पोस्ट में इसमें दिया है सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात करें यहाँ पर, तो इसमें साफ लिखा हुआ है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट। तो यदि जिसका बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से होगा। इसमें टोटल आप क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर एक ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यदि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई ज़्यादा भारी एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो मैट्रिकुलेशन प्लस ITI, तो आपके पास ITI यदि ट्रेडमैन इसमें ट्रेड्स में यदि इसमें आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल कैट ऑपरेटर एंड ऑटो कैट का यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके पास ड्राफ्ट्समैन का और आपके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI आपकी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल इंजीनियर की, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल इंजीनियर की बात करें तो इसमें यहाँ पर देखा गया है मिनिमम जो एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया गया है, मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें भी क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल इंजीनियर के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का होना चाहिए और एक्सपीरियंस वाटर टेस्टिंग का भी है, ओवरहेड टैंक का भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए, तो इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट या फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से भी है आपके पास तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली फॉर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। मिनिमम 2 साल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका डिप्लोमा है सिविल से उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर सप्लाई का, ठीक है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का यदि 5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोट फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट शुड प्रोसेस द डिग्री रिकॉग्नाइज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अफिलेटेड होना चाहिए गवर्नमेंट से, और इसमें 1956 के अनुसार जो कमीशन है उसके अंतर्गत एक्सपीरियंस आपके पास जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी इसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी AICTE से अफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस शैल बी कैलकुलेटेड 1/10/2023, मतलब 1/10/2023 जो डेट है इस डेट के अंदर ही एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, अदरवाइज इसके पहले इसके जो है शैल बी कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस ऑन 1/10/2023 के आधार पर ही कैलकुलेटेड होगा। एज रिलैक्सेशन और क्राइटेरिया की बात करें तो रिजर्वेशन जो है EWS SST OBC NCL PWD एक्स सर्विसमैन इसके लिए रिजर्व पोस्ट अलग से रखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार, और इसमें रिलैक्सेशन फॉर द अपर एज लिमिट OBC NCL SST कैंडिडेट शेल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। PW कैंडिडेट को 40% दिया जाएगा और मिनिमम 10 ईयर का इसमें PWD कैंडिडेट को इसमें छूट दी जाएगी एज क्राइटेरिया में। PW कैंडिडेट विल हैव टू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल क्वालिफिकेशन विच हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट, तो इसमें कैटेगरी वाइज यदि बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, फंक्शनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। हेयरिंग एम्पायरमेंट की बात करें तो इसमें भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और जो भी है इसमें छूट दी जाएगी सभी को। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सिलेक्शन की प्रोसेस, तो इसमें CBT एग्ज़ाम तो होगी नहीं, तो एक्सपीरियंस के आधार पर और क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ही आपके पास इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी दी गई है। देखते हैं द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस पैरामीटर्स
सिलेक्शन शेल बी एस अंडर, इसमें एक्सपीरियंस का 10% होगा और इंटरव्यू का 90% होगा, इस अनुसार टोटल होता है 100%। तो टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी में 60% होना चाहिए और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन और कंपिटेंसी में 30% होना चाहिए। तो टोटल 100% इस टाइप से दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 60% UR और 50% जो है वो OBC और SST और OBC के लिए होगा, क्वालिफिकेशन का जो है परसेंटेज। अब इसमें और अदर क्वालिफिकेशन जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट, तो ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। नेचर पीरियड, जब इसमें इंगेजमेंट की बात करें तो इंगेजमेंट इसमें कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का, और उसके बाद और इसकी जो है 1-2 साल और बढ़ाया जाता है, मतलब इसमें निकाला तो जाता नहीं है, बट जहाँ जहाँ रेल प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ वहाँ फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर कर दी जाती है। द इंस्टेंट रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन फॉर द डेवलपमेंट पर्सनल एट वन आर आवर क्लाइंट साइड एंड सच एज द इश्यू ऑफ द ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट आर अप्रूवल ऑफ CV बाय द क्लाइंट। तो इसमें आपका जो है 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल का रखा गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली सैलरी भी बढ़ जाती है और दूसरे प्रोजेक्ट में भी अप्रूवल कर दिया जाता है, ठीक है। सुपरवाइजर कम के लिए सैलरी तो यहाँ पर दिया है मैट्रिक बेसिक पे, ठीक है, 53,000 तक। फिर है ड्राफ्ट्समैन के लिए 31,000 तक, ठीक है। फिर उसके लिए फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के लिए 50,000 डिग्री के लिए, और 38,000 39,000 के आसपास डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए उसे दिया जाता है, ठीक है। पे स्केल जो होगा वो 1,20,000 तक का होगा, इसमें बेसिकली पे स्केल 1,20,000 तक का है। इसमें प्लेस्ड बाय द पे स्केल आप 30,000 टू 1,20,000 तक यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी लीव जो है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके आधार पर ही दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज इसमें फीस जो है जनरल OBC और PWD कैटेगरी के लिए फ्री है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई, कैसा करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको सीधे कैंडिडेट को जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड फॉर्मेट अवेलेबल कैरियर सेक्शन में जाएंगे, और ये इसकी साइट है www.rits.com, इस वेबसाइट में जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का पूरा फॉर्मेट जो है उसका आपको फॉर्म फिल करने के बाद उसका हार्ड कॉपी उसकी आपको अपने पास रखना होगा, और जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो उसको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप उसको उसको लेकर जाना होगा। आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्स डिटेल अंडर द फील मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, और कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू सबमिटेड विथ देम एंड टू कैरी द सेम एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन, इसका तो उस समय आपको रखना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेट द सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए, स्कैन कॉपी होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और जो एकेडमिक है ग्रेजुएशन BTech का पूरे मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वोटर ID पासपोर्ट या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, प्रूफ ऑफ द डिफरेंट पीरियड ऑफ द एक्सपीरियंस जहाँ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद PW कैंडिडेट है तो PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिटेल CV रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप लेकर जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसमें जो है इंटरव्यू की डेट जो है यहाँ पर दी हुई है, AB, और एड्रेस भी दिया है, AB 435 ब्लॉक ए निर्माण नगर जयपुर राजस्थान, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। कंडक्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 13/10/2023 से 20/10/2023 के बीच में ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही होगा। कैंडिडेट विल नीड टू ज्वाइन RITES विद इन 15 डेज ऑफ
एश्योरेंस ऑफ ऑफर लेटर 15 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नो इंटरव्यूज ऑन 15/10, मतलब कि 10/15/10/2023 को कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इस डेट में आप न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। TADA आपको नो ट्रेन बस फेयर TADA सेल बी पेएबल, आपको पेएबल नहीं होगा, TADA नहीं मिलेगा, आप इस बात को याद रख लें। आपके पास VC रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में, वैलिड ईमेल आईडी और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ओरिजिनल कमिटमेंट सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/5/2023 से, लास्ट डेट यहाँ पर है 17/10/2023 से। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 13/10/2023 से 20/10/2023 के बीच में होगा। 15/10/2023 को इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एड्रेस है, इस एड्रेस में जाकर आप, राजस्थान इसका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाकर ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये हो जाएगा जयपुर, राजस्थान में इंटरव्यू है। और कैंडिडेट विल नीड टू ज्वाइंट RETS विद इन 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगी, इसलिए इसको, इस फॉर्म को आप पूरा पूरा भर दें। तो ये थी जानकारी डियर फ्रेंड, और ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी जॉब की ज़रूरत है वो इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।